ऑनियन बिक रहा है भाई, ऑनियन कैसे किलो भाई? ऑनियन एक कैसे एक एक पैकेट जी? हाँ, 100 रुपये। 100 रुपये एक? कितना किलो है इसमें? 5 किलो। एक में 5 किलो 100 रुपया किलो। क्या बात है, ये हमारे रिक्शा वाले अच्छे होते हैं मुंबई के। किसमें डाला? और क्या, कहाँ जा रहे हो? वैसे कहाँ पे हो? 5 नंबर। 5 नंबर इधर ही मालोनी 5 नंबर। तो थैंक यू। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें। और इस वक्त हूँ मुंबई में, मैं भैंस के तबेले में, आरे कॉलोनी। फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई, बहुत मज़ा आया, लोग मिले बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये देखिए, यहाँ पे ना भैंसे पानी पिलाते हैं, और पानी पीने के बाद वापस उनके जहाँ जगह पे ले जाते हैं और उसको बांध देते हैं, फिर चारा खिलाते हैं। जो मैंने आपको दिखाया वो चारा खिलाते हैं, और उसके बाद वो दूध देती हैं अच्छे से। ये देखिए, यहाँ से पानी पीती हैं भैंसे, तो पानी पी के वापस यहाँ पे चली जाती हैं। सारी भैंसे मुझे देख रही हैं क्योंकि डर रही हैं। डर आओ लौंडा, आप तो बहुत छोटे हो। आप बहुत छोटे, क्या नाम है आपका? मानव। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पांचवी। देखो ये बच्चा जो है ना गांव से आया है, इसके मम्मी डैडी भी यहीं पे रहते हैं ना, यहीं पे रह के भैंस की रखवाली करते हैं और पढ़ाई करते हैं। अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे आप? मैं आर्मी। वेरी गुड बेटा, चलो आर्मी पढ़ाई करो, आर्मी बनो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सहदेव। सहदेव जी बताइए, क्या कैसे क्या क्या करते हैं आप यहाँ पे? तबेले की नौकरी करता हूँ। तबेले की नौकरी? अरे रुका, मर्दवान का मेहरारू को मैसेज भेजा था, मेहरारू के लिए कुछ बच्चों के लिए कोई मैसेज दे दो ना, बच्चों के लिए बोल दो, कुछ बोल दो, देखेगा। हम लोग अच्छे से है, चिंता मत करो, बच्चे का खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ। हाँ, और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, देखो कितने मेहनत कर रहे हैं, देख लीजिए, पगड़ी बांधे हुए हैं अच्छे से, और मेहनत कर रहे हैं, पैसे आपके लिए कमा रहे हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ो, बच्चों लोग ध्यान से सुन लो पापा का मैसेज, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आपके लिए इतने पसीने बहा रहे हैं, देख लीजिए। मैं अच्छे से हूँ, खाना खा रहा, तुम लोग घर पे आ, बाल बच्चा अच्छे से रखना, मैं इधर से पगार भेजोगे, 11,000 पगार है मेरा, ठीक है, दो ही नहीं करते हूँ। देखो ये इमोशनल बात कर दिया। देखो भाई ये लाइफ, आ जा चारा वाला खिलाता हूँ, आएगी चारा खिलाते हैं, देखो आएगी भाई, खा यार। ये तुम लोग क्या, आप लोग क्या है इसको खिलाओगे? ये घास नहीं खा रहे हैं, दूध पीती है ना? दूध पीती है अभी। अच्छा, अभी दूध पीती है भाई, छोटा बच्चा है ना, खा नहीं पाता, ये दूध पीने वाला बच्चा, दूध पीती है। अच्छा बच्चा, चलिए बहुत अच्छा लगा भाई आप लोगों से बात करके, कहीं जो आऊँगा दोबारा कभी। ये पुअरा है देखिए, इसका ये काट के ना खिलाते हैं भैंसों को। ये गांव में तो मैंने देखा था कि मुंबई में भी ऐसा जगह है, पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम देखा है, सुना था लेकिन फर्स्ट टाइम देखा कि मुंबई में भी ऐसी जगह है। जीना इसी का नाम है। चलिए चलते हैं कहीं और, देखते हैं और भैंसवा। तो गाइस, आपको अगर ताज़ा दूध चाहिए, एकदम प्योर दूध, तो आइए आर्य कॉलोनी में, और देखिए यहाँ भैंस के तबेला में आपको दूध निकाल के तुरंत दे देंगे। ये अंकल ये बैठे हैं, आप आइए और इनसे लेके जाइए। ये बर्तन माँज रहे हैं, अभी खुद ही काम करना पड़ता है भाई, सीखो, देखो खुद खाना खाना, खुद काम करना। ए रुको रुको रुको, तुम लोग स्कूल जाना है तो किधर जा रहे हो? स्कूल जाना चाहिए, किधर जा रहे हो? रुको इधर, बस अरे मजाक करें बेटा, डरो मत। हाय हाय, बस इतना ही आता है, इसके आगे नहीं आता है, क्योंकि स्कूल में ही जा रहे हो। जा रहा हूँ। कौन से स्कूल में जा रहे हो? लक्ष्यधाम हाई स्कूल। लक्ष्यधाम, देखो बड़ा स्कूल में पढ़ते हैं। तो बड़ा स्कूल है यार, तुम किधर रहते हो? मुझे लगा तुम्हारे माँ बाप इधर हो। लक्ष्यधाम कौन सा क्लास है?
सुनाओ मुझे पांच का पारा। क्या बात है यार, वो भाग गया देखो, उसको नहीं आता। ओए देखो, दस का पारा सुनाना है। भाई भाई, मुझे मालूम पड़ता है वो। इधर क्या करने आए? घास लेने आए। घास क्या करोगे? वो हम लोग को उधर कबड्डी खेलना है ना, उधर खरबूजे है, वो सब साफ कर देना है। अच्छा कबड्डी? हाँ। ये गांव का खेल कबड्डी होता है, हम लोग बचपन में खेलते थे। अच्छा। वेरी गुड, जाओ खेलो खेलो, पढ़ाई भी करो। हाँ, इसका ये चैनल का नाम क्या है? S17 ऑनलाइन। बोलो बोलो, S17 ऑनलाइन। S17 ऑनलाइन। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस चैनल को शेयर कर दो। बच्चा होशियार है। बेटा जाओ, बुला रहा है। ये दूध देखिए तैयार हो गया, इन्होंने भैंस से निकाल दिया है दूध, प्योर दूध, मुंबई में प्योर दूध। अच्छा, यहाँ से अगर कोई आएगा दूध लेने तो कैसे लीटर मिलेगा? यहाँ से बल्क में दूध दिया जाता है, और आजू बाजू के जो रेसिडेंट एरिया है वो यहाँ आते 65 के पर लीटर के हिसाब से यहाँ आके ले लेते हैं। मतलब आजू बाजू वाले ही लेंगे, बाकी कोई और नहीं? नहीं, बाहर से आते हैं, क्यू में खड़े रहते हैं, जो आए हम पूछते नहीं कहाँ से आए, दे देते हैं आप। लेकिन यही दूध अगर बॉम्बे साइड बांद्रा साइड जाता है तो 74। यहाँ से वहाँ जाएगा तो महंगा होगा ही, तो उसका टाइम बात की। यहाँ से लेने में आपको जो फ्रेश चीज़ होती है, जो क्वालिटी होती है, वो मिल जाती है। वो तो है भाई, वहाँ पे मुझे मालूम है, हम लोग लेते हैं बाहर दूध, यहाँ के आते हैं लोग। दूसरी बात की यहाँ पे आप पेउस बोलते हैं और महाराष्ट्र में लोग खरगोश बोलते हैं, कई लोग शौकीन होते हैं वो चीज़ खाने के लिए, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आके मिल जाती है। अच्छा अच्छा, ये अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने। तो टाइमिंग कुछ है कि किसी भी टाइम पे आके ले लेंगे? टाइमिंग ये है, देखो कोई कोई जगह पे 4 बजे का टाइम है, कोई कोई जगह पे 2 बजे का टाइम है। मतलब टाइमिंग फिक्स, उसी टाइम पे आओगे तो ही मिलेगा, उससे पहले अगर कोई आया तो नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे समझ लो 3:30 से लेके शाम को 6:30 तक मेरा काउंटर लगता है। हाँ। फिर एक बार यहाँ से गाड़ी मेरी बम्बई के लिए रवाना हो जाती है, उसके बाद अपने पास दूध नहीं होता, क्योंकि फिर जो बच्चा रहता है वो हमारे मार्केट में चले जाता है। हाँ। तो मतलब वही है कि टाइमिंग, आप टाइम पे आओ, जो टाइम दिया गया 2 बजे, कितना कौन सा टाइम बताया? 2 बजे 3:30 बजे से मेरा काउंटर लग गया। 3:30 बजे से इनका काउंटर लग गया। मेरी प्यारी भैंस तू मुझे देख ले, मैं तेरा दूध लेके जाऊंगा और बॉडी बनाऊंगा। नहीं, मुंह में तो मुंह फेल लिया मेरा, मैं इतना बेकार गाता हूँ क्या? भैंस भी मुंह घुमा ली, बेकार है मेरे।